ठीक है, लेकिन ना ये वर्किंग आवर्स में बताया करो, मैं डिस्ट्रैक्ट होता हूँ। अबे ओए, गिव मी हग, आई कांट बिलीव। दो मिनट लगे रहा करो, इतना जल्दी क्या होती है। मैंने सिद्धू जी को कहा था कि कपिल बहुत फ्लर्ट करता है, मेरी सेफ्टी के लिए मेरे साथ चलें। ये जो हीरोइंस आती रहती है आपके शो पे, आप उनके पीछे क्यों पड़ते हैं ऐसे? नहीं, ऐसी बात नहीं है, हम लोगों ने तकरीबन 140 एपिसोड किए, बीच में फराह खान को मैंने कुछ नहीं कहा। रानी, मैं थोड़ा पास आके बात कर सकता हूँ? कितने पास? पास अभी आपको कैसा महसूस हो रहा है? ऐसे तो मुझे किसी कोच ने नहीं सिखाया। वो सब अच्छे घर के होंगे ना। चलना सर। जब भी कोई लड़की देखो मेरा दिल दीवाना बोले। How are you? Very good. Don't know, you are too good. महाराज, महाराज, दुश्मनों ने हमला कर दिया है। हमले तो होते रहते हैं, दो मिनट बात तो सुनित रहो। अरे, दुश्मन ने हमला कर दिया। एक काम करो, आप यहाँ छुप जाओ, मैं आपको अंदर लेके छुप जाऊंगा। थोड़ी देर पहले एक और लड़की आई थी। अच्छा, मैं स्टार्टर को देख के खुश हो रहा था, मेन कोर्स तब आया। साल में एक फिल्म से ज्यादा कंगना करना नहीं चाहती, ज्यादा इसलिए कर रही है, शी वांट्स टू मीट मी यार। माँ, मैंने तुम्हारे लिए बहू ढूंढ ली है। कौन बेटा, कौन है ये? ये देखो माँ, लेकिन डार्लिंग, शादी के बाद तुम्हें कम से कम मम्मी जैसे कपड़े पहनने पड़ेंगे, नहीं तो अच्छा लगेगा, मां स्कर्ट में घूम रही और बहू डबल बेड की चादर लपेट के घूम रही। क्योंकि मैं आज आपके लिए राजा बना हूं, तो आपको थोड़ी देर के लिए मेरी रानी बनना पड़ेगा। दिमाग खराब हो गया है क्या? ऐसे समझ लो राजा का दिमाग खराब, पागल राजा की रानी बनी हुई है। तमन्ना है कि जिंदगी कटती रहे यूं ही, तमन्ना है कि जिंदगी कटती रहे यूं ही, एक तरफ माधुरी एक तरफ जूही, एक तरफ माधुरी। मैं एक नई चीज ट्राई करना चाहता हूँ, ये इससे वाईफाई किस। कोई माने या न माने, मैं हूँ आशिक आवारा, मैं सदाई दीवाना, मुझको चाहत में मारा। वैसे अगर चाहे तो जल्दी जल्दी हमारी शादी हो सकती है। तो बदले में मुझे क्या मिलेगा? मेरे को वीजा मिल जाएगा, आपकी बहनों को जीजा मिल जाएगा। डॉक्टर साहब, क्या हो गया मेरे चाचा जी को? आप कौन? जी, मैं एक्चुअली इनकी भतीजी हूँ, परसों ही लौटी हूँ। इनको बहुत ज्यादा सीरियस प्रॉब्लम है, इनको 5-6 साल इधर रखना पड़ेगा। हाँ? अभी तो तुम कह रहे थे कि 15 मिनट के बाद मैं घर जा सकता हूँ। हाँ तो लेकिन आपकी रिपोर्ट तो अभी आई ना, इतनी खूबसूरत रिपोर्ट आएगी, हमें क्या पता था? जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, तेरे को शाम को मेरे साथ कॉफी पे जाना पड़ेगा। दैट वाज नॉट गाना, दैट वाज माय ऑफर। आप इतने बड़े लेवल पे अभी आए हो? अच्छा, आप सब लड़कियों के साथ फ्लर्ट करते हो क्यों? हम जहाँ पे रहते हैं ना, तो वहाँ पे पानी और शर्म 9 से 12 ही आते हैं, तो मैं 12 के बाद जब आता हूँ तो मेरी शर्म जो है वो हट जाती है। प्रियंका, एक बात बताओ, आपके फोटो एल्बम आ गए, म्यूजिक एल्बम आ गए, शादी का एल्बम कब देखने को मिलेगा? मतलब क्या मेरी वेट कर रही हैं आप? हमारा ही तो इंतजार है कपिल, अभी तक तुम समझे नहीं, 3-3 बार आ चुकी हूँ, हिंदी नहीं लेता। समथिंग इज देयर एक्चुअली, लिटिल लिटिल समथिंग, हमारे ढूंढती है, वेरी लिटिल। क्या लेंगे आप? साड़ी। आपको साड़ी क्यों लेनी है? इन कपड़ों में ज्यादा अच्छी लग रही है आप। मेरी मम्मी कहती है कि इन कपड़ों में मैं बहुत बढ़ के लगती हूँ। मम्मी पापा की बातों पर जरा ध्यान नहीं देना चाहिए, वो तो प्यार से देखते ना, हमारी नजर तो देखो बहुत अच्छी लग रही है। नमस्ते, मैं पहली बार मिल रहा हूँ, मैंने लंच बॉक्स में आपको देखा था, तो उसमें डिब्बे भेजती हैं आप इरफान भाई को, मुझे नहीं पता था बंद डिब्बे में से ऐसी डिश निकलेगी सर। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। अक्षय भाजी, आपको बहुत बहुत मुबारक एयरलिफ्ट के लिए। आपके जो फैंस हैं वो एक्चुअली मुझे से पूछ रहे थे कि अक्षय भाजी ने इस फिल्म में कैसे स्टंट्स किए हैं। इसमें कोई स्टंट नहीं है। ओके, तो इसीलिए मैं ये अपना जो माइक है निमृत की तरफ दूंगा। ओके, क्योंकि निमृत ने खास मुझे कहा है कि फिल्म के बारे में मैं बताऊंगी, क्योंकि मैं बड़ी सीरियस किस्म की लड़की हूं। थैंक यू फॉर लिसनिंग अक्षय, वेल डन।
गुड इवनिंग एवरीवन. जैसा कि आप जानते हैं ये एक रियल लाइफ इंसिडेंट पे बेस्ड है जो 1990 में 2 अगस्त को हुआ था व्हेन सदाम हुसैन इन्वेडेड कुवैत एंड ओवरनाइट 1,70,000 इंडियंस लॉस्ट देयर जॉब्स देयर होम्स देयर आइडेंटिटीज एंड अमंग देम वाज वन मैन हु लेड वेरी फ्लैम्बॉयंट एंड अ वेरी लैविश लाइफ द पाथ दैट इज बीइंग एसेड बाय माय को. निमित्त से मैं पहली बार मिल रहा हूँ. मैंने लंच बॉक्स में आपको देखा था तो उसमें डिब्बे भेजती हैं आप इरफान भाई को. मुझे नहीं पता था बंद डिब्बे में से ऐसी डिश निकलेगी. सर करण सर आपको पता है हम लड़कों में बर्दाश्त करने की शक्ति भी लड़कियों में ज्यादा होती है. हाँ. अगर आप किसी भी लड़की को आंटी बोल दो 2 मिनट में देखना उनका चेहरा ब्लश से भी ज्यादा लाल हो जाएगा.